हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 13, जिसका नाम है लेजर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन प्रॉपर सब्सिडरी बुक एंड पोस्ट देम इन टू लेजर। आपको कुछ ट्रांजेक्शन गिवन है जिसको आपको प्रॉपर सब्सिडरी बुक में शो करना है। इस क्वेश्चन में आपको चार ही बुक्स बनानी है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, क्योंकि इन ट्रांजेक्शन में उन्हीं की बात हो रही है। उसके बाद आपको उनको लेजर में पोस्ट भी करना है। किस तरीके से बुक्स बनेगी और किस तरीके से हम अकाउंट को लेजर में पोस्ट करेंगे, ये मैं आपको आज की वीडियो में समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप जब भी अकाउंट करें तो अपने आप को एक अकाउंटेंट माने और एक बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से सोचें। ऐसा करने पे आपको कभी भी अकाउंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले हम परचेज बुक बनाएंगे। परचेज बुक का फॉर्मेट इस तरीके से होता है, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवॉइस नंबर, लेदर फोलियो, डिटेल और अमाउंट। इस तरीके से आप परचेज बुक का फॉर्मेट लेंगे। अब परचेज बुक में आपको वही ट्रांजेक्शन नोट डाउन करनी है जिसमें बिजनेस ने परचेज करी हो और वो भी उधार में परचेज करी हो। तो पहले ट्रांजेक्शन आएगी मार्च 2 को जो हुई है, परचेज फ्रॉम नवरंग ट्रेडर ₹4,8,300। तो सबसे पहले डेट और ईयर मेंशन कीजिए, 2017 मार्च 2, और यहाँ पे अपने सप्लायर का नाम मेंशन कीजिए जो कि नवरंग ट्रेडर, और आपने कितने की परचेज की बिजनेस ने 8,300 की, तो 8,300 को अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो है मार्च 5 की, वोट ऑफ रुचि ट्रेडर ₹4,12,100। आपकी बार बिजनेस ने फिर से परचेज करी है जो कि अब डिफरेंट ट्रेडर है, डिफरेंट सप्लायर है जो कि जिसका नाम है रुचि ट्रेडर। तो यहाँ पे मेंशन कीजिए डेट मार्च 5, और मेंशन कीजिएगा रुचि ट्रेडर, नाम मेंशन करना होता है सप्लायर का, और यहाँ पे 12,100 की परचेज करिए तो 12,100 को अमाउंट कॉलम में शो कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज की मार्च 10 की, परचेज गुड फ्रॉम जयपुर स्टोर ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 5,400 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे बिजनेस ने फिर परचेज किया, 15,400 की परचेज की है जिसपे 5% ट्रेड डिस्काउंट मिला है बिजनेस को। तो अब चलिए किस तरीके से इसको नोट डाउन करेंगे ये समझिएगा। मार्च 10 डेट लिख के सप्लायर का नाम लिखिएगा जयपुर स्टोर, सबसे पहले यहाँ पे लिखिए लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो जयपुर स्टोर से कितना परचेज किया है, 15,400 रुपीज की टोटल परचेज है जिसपे 5% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है, जो कि 15,400 का 5% कैलकुलेट करेंगे तो 770 आएगा। टोटल अमाउंट के कॉलम में आप माइनस कीजिएगा और लिखिएगा 14,630, इतने की परचेज मानी जाएगी टोटल। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि मार्च 12 को हुई है, वोट ऑफ अमीर ट्रेडर ₹4,10,000। तो अमीर ट्रेडर से परचेज किया है बिजनेस ने, डेट मेंशन कीजिए मार्च 12, और मेंशन कीजिएगा अमित ट्रेडर, कितने का अमाउंट है 10,000। तो ये टोटल आप अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दीजिएगा 10,000 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जो कि मार्च 22 को ही है, परचेज परचेज गुड फ्रॉम नवरंग ट्रेडर ₹25,000। फिर से बिजनेस ने परचेज किया है और नवरंग ट्रेडर से परचेज किया है, तो यही आपको मेंशन करना है मार्च 22 लिख के, सप्लायर का नाम नवरंग ट्रेडर और अमाउंट के कॉलम में 25,000 मेंशन कर लीजिएगा। तो परचेज बुक में टोटल ये 5 ट्रांजेक्शन ही आएगी। अब आपको टोटल करना है, तो उस टोटल करने के लिए आपको क्या लिखना होगा, आपको मार्च 31 लिख के यहाँ पे लिखना होगा परचेज अकाउंट डेबिट, और टोटल कर दीजिएगा अमाउंट के कॉलम में, टोटल करके आपके पास आएगा 70,030 रुपीज। तो इसने अमाउंट की बिजनेस ने क्या करी है, परचेज करी है, वो भी उधार पे। तो हमारी परचेज बुक यहाँ पे बन चुकी है। अब हम सेल्स बुक बनाएंगे। अब सेल्स बुक में आपको वो ट्रांजेक्शन नोट करनी है जिसमें बिजनेस में सेल हुई हो और वो भी उधार पे सेल हुई हो। तो पहली ट्रांजेक्शन हुई है मार्च 3 को, सोल्ड गुड टू रोहन ₹4,3,200। अच्छा, एक और बात यहाँ पे जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आपको सेल्स बुक में नेम ऑफ द कस्टमर लिखना है। यहाँ पे आप नेम ऑफ द कस्टमर लिखिएगा, यहाँ पे आपको कस्टमर का नाम लिखना है, डेट मेंशन करिए 2017 मार्च 3 लिख के लिखिएगा रोहन, जो कि हमारा कस्टमर है। क्या पर सेल की हमने इसको, 3,200 रुपीज की सेल की है, तो अमाउंट के कॉलम में 3,200 आप अमाउंट लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जो कि सेल्स रिलेटेड है मार्च 12 की, सोल्ड गुड टू अरुण ट्रेडर ₹4,18,000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। आपकी बार अरुण ट्रेडर को हमने गुड्स बेचे 18,000 का, 15% का हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो डेट मेंशन कीजिए मार्च 12, यहाँ मेंशन कीजिएगा अरुण ट्रेडर, डिटेल के कॉलम में मेंशन कीजिएगा अमाउंट जो कि 18,000 रुपीज है। अब इसको लेस कीजिएगा 15% ट्रेड डिस्काउंट, जो कि 18,000 का 15% 2700 होता है। 18,000 में से 2700 माइनस करेंगे तो ये माइनस करके आपके पास आएगा 15,300। तो इतने की टोटल क्या मानी जाएगी, इतने की टोटल सेल मानी जाएगी। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो की हुई है मार्च 20 को, सेल्स टू कल्पना एंड कंपनी ₹14,300। तो यहाँ पे सेल हुई है मार्च 20 लिख के कस्टमर का नाम लिखिए कल्पना एंड कंपनी, और 14,700 को टोटल अमाउंट के कॉलम में शो कर दीजिएगा 14,700 का, क्योंकि इतनी ही उधार पे सेल हुई है। इसके बाद नेक्स्ट है
मार्च 26 को ट्रांजेक्शन सेल्स टू रुपा ट्रेडर 4 रुपीज 10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे फिर से सेल हुई है, डेट मेंशन कीजिए मार्च 26 रूपा ट्रेडर, लेस करना है आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो रूपा को सेल हुई है 10,000 की, 10% ट्रेड डिस्काउंट होता है 1,000 रुपीज, टोटल सेल मानी जाएगी 9,000 रुपीज की माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके। इसके बाद आपको क्या करना है, अब की बार आपको टोटल करना है, तो सेल्स बुक में 4 ट्रांजेक्शन ही आएगी। मार्च 31 लिख के मैंशन कीजिएगा सेल्स अकाउंट क्रेडिट, और टोटल अमाउंट के कॉलम में आप मैंशन कीजिएगा 42,200 रुपीज। आई होप कि आपको सेल्स बुक में भी कोई डाउट नहीं होगा। अब बनाएंगे नेक्स्ट बुक जो कि है परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट इस तरीके से होता है, डेट पर्टिकुलर डेबिट नोट नंबर लेटर फोलियो डिटेल और अमाउंट। यहाँ पे पर्टिकुलर्स की जगह पे आप नेम ऑफ द सप्लायर भी लिख सकते हैं। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं। अब यहाँ पे बात समझिएगा, परचेज रिटर्न में आपको वो ट्रांजेक्शन लेनी है जिसमें बिजनेस ने परचेज करके रिटर्न कर दिया सामान को। रीजन कुछ भी हो सकता है, इफेक्टिव गुड्स आ गया, रीजन कुछ भी हो सकता है, पर जिसमें बिजनेस ने रिटर्न कर दिया हो, जहां से उसने परचेज किया अपने सप्लायर को, तो उसे वो ट्रांजेक्शन को आपको परचेज रिटर्न बुक में मेंशन करना है, जो कि मार्च 18 की ट्रांजेक्शन है, रिटर्न गुड्स टू जयपुर स्टोर 4 रुपीज 800 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो जयपुर स्टोर से जो हमने परचेज किया था, उसमें हमने क्या करा, 800 रुपीज का गुड्स हमने रिटर्न कर दिया, मतलब कि परचेज हमने रिटर्न कर दी, जो कि 5% ट्रेड डिस्काउंट भी हमें हमने माइनस करना है। तो यहाँ पे पहले मेंशन कीजिएगा डेट मार्च 18 2017, यहाँ पे सप्लायर का नाम जयपुर स्टोर, और अब की बार आपको लेस करना है 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो जयपुर स्टोर से हमने 800 का अमाउंट परचेज वापस किया, हमने परचेज रिटर्न किया, तो 800 रुपीज लिखेगा। फिर मेंशन कीजिए लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट, तो 800 का 5% होता है 40 रुपीज, माइनस करने पर अमाउंट के कॉलम में 760 रुपीज आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन परचेज रिटर्न में आएगी वो है रिटर्न आउटवर्ड्स टू नवरंग ट्रेडर 4 रुपीज 1200। तो रिटर्न आउटवर्ड्स को ही परचेज रिटर्न बोला जाता है। मार्च 25 की ट्रांजेक्शन है, तो मार्च 25 लिख के सप्लायर का नाम लिखेगा नवरंग ट्रेडर। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक होगी, आप स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखिए अमाउंट जो कि है 1200 रुपीज का हमने क्या करा है, रिटर्न करा है। बस ये 2 ट्रांजेक्शन ही बिलोंग करती थी परचेज रिटर्न बुक से। अब आप टोटल कर लीजिए मार्च 31 परचेज रिटर्न अकाउंट करके क्रेडिट मेंशन कीजिएगा और टोटल कीजिएगा अमाउंट के कॉलम में, तो ये आपके पास आएगा 1960 रुपीज। तो 1960 रुपीज का क्या हुआ है, परचेज रिटर्न हुआ है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से परचेज रिटर्न बुक बनानी है। अब हमें लास्ट बुक जो बनानी है, जो हमारी आखिरी बुक है, सेल्स रिटर्न बुक। अब हमें सेल्स रिटर्न बुक बनानी है, तो सेल्स रिटर्न बुक में यहाँ पे आप पर्टिकुलर्स की जगह नेम ऑफ द कस्टमर लिख लीजिएगा। आप अगर पर्टिकुलर्स भी लिखें तभी भी सही होगा, आपको इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी, पर ऊपर आपको मेंशन करना जरूरी है कि आप कौन सी बुक बना रहे हैं। चलिए अब इसमें कौन सी ट्रांजेक्शन आएगी इसको समझते हैं। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन आएगी जो कि मार्च 8 को हुई है। सेल्स रिटर्न बुक में वो ट्रांजेक्शन आएगी जिसमें कस्टमर ने बिजनेस में आके गुड्स रिटर्न कर दिया, मतलब हमसे कोई सेल करके ले गया और उसने फिर हमें गुड्स आके रिटर्न कर दिए, उसे बोलते हैं सेल्स रिटर्न। तो यहाँ देखिएगा पहले ट्रांजेक्शन है मार्च 8 को हुई है, जो कि रोहन रिटर्न द गुड्स फॉर 600। तो रोहन हमारा कस्टमर था जिसने हमें रिटर्न कर दिए गुड्स। 12 मार्च 8 लिख के डेट मेंशन कीजिएगा, मार्च 8 लिख के ईयर मेंशन कीजिएगा, रोहन लिखेगा कस्टमर का नाम हमारा रोहन था, कितने के गुड्स रिटर्न करे 600 के, तो अमाउंट के कॉलम में 600 रुपीज मेंशन कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो थी वो मार्च 19 की है, अरुण ट्रेडर जो कस्टमर था इसने भी हमें गुड्स रिटर्न कर दिए 3000 के, लेस करना है हमें 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो डेट मेंशन कीजिए मार्च 19, यहाँ पे कस्टमर का नाम अरुण ट्रेडर, कितने का अमाउंट है 3000 रुपीज का अमाउंट है, रिटेल के कॉलम में 3000 लिखिए और 15% कैलकुलेट करेंगे 3000 का, तो 450 आएगा, माइनस करने पे आपके पास जो आएगा वो अमाउंट होगा 2550 रुपीज का। अब आपको क्या करना है, आपको आगे कैलकुलेशन करनी है। एक और ट्रांजेक्शन में हमें गिवन है मार्च 29 को हुई है, रिटर्न इनवर्ड्स को बोलते हैं सेल्स रिटर्न। ये बात याद रखिएगा कि रिटर्न आउटवर्ड्स होता है परचेज रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड्स होता है सेल्स रिटर्न। इसके बाद आप डेट मेंशन कीजिए मार्च 29, जो कि कल्पना हमारी कस्टमर है जिसने हमें गुड्स रिटर्न करे हैं 2000 रुपीज के, और अमाउंट के कॉलम में 2000 रुपीज लिखेगा। और यहाँ पे मेंशन कीजिएगा मार्च 31 सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और टोटल जब आप करेंगे तो टोटल करके आपके पास आएगा 5150 रुपीज। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हमने सब्सिडरी बुक को बनाया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेजर में पोस्टिंग करनी है। तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम परचेज अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद सेल्स अकाउंट बनाएंगे। परचेज अकाउंट में जितने की बिजनेस ने परचेज करी है आप वो अमाउंट लिख दीजिएगा। कैसे पता चलेगा, ये आपको सब्सिडरी बुक से इजीली पता चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं क्या, कौन सा अकाउंट, सबसे पहले हम बनाते हैं परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे, लेजर में पोस्टिंग करेंगे, इसको समझते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको परचेज बुक की हेल्प लेनी होगी। परचेज बुक जब आपने बनाई थी तो यहाँ पे टोटल आया था ना 70,030 रुपीज, बस इसको ही आपको परचेज अकाउंट में शो करना है। परचेज अकाउंट क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है, तो डेबिट साइड या ट्रांजेक्शन आएगी 2017 मार्च 31 लिख के मेंशन कीजिएगा टू संद्रीस एज पर दी परचेज बुक, और अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दिए 70,030 रुपीज। देखिए यहाँ पे हमारा परचेज अकाउंट बन भी गया है। अब सिंपल आपको क्या करना है,
परचेज अकाउंट मतलब जिससे बिजनेस ने परचेज की थी ना, उन सब क्रेडिटर के भी आपको अकाउंट बनाने हैं। तो सबसे पहले बिजनेस ने परचेज की थी नवरंग ट्रेडर अकाउंट, तो यहाँ पे हम वो सारे अकाउंट बनाएंगे जिसमें जिसमें बिजनेस ने क्या करी थी, परचेज की थी, जिनसे नेम ऑफ द सप्लायर जो मैंने आपको बताया थे, जिनसे भी बिजनेस ने सामान को परचेज किया था उन सबके अकाउंट बनेंगे। अब है नवरंग ट्रेडर अकाउंट, तो ये हमारा क्रेडिटर था, तो सबसे पहले इसकी ट्रांजेक्शन देखे, मार्च 2 को इसकी ट्रांजेक्शन थी, परचेज फ्रॉम नवरंग ट्रेडर ₹4,8,300। तो बिजनेस ने परचेज किया था नवरंग ट्रेडर से 8,300 का, तो इसकी एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू नवरंग ट्रेडर। अब देखिए नवरंग ट्रेडर का अकाउंट बना रहे हैं और नवरंग ट्रेडर क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड ये एंट्री आएगी और अपोजिट अकाउंट आएगा। तो यहाँ पे मेंशन कीजिए 2017 मार्च 2 और यहाँ पे मेंशन कीजिएगा बाय परचेज अकाउंट अमाउंट, ये कॉलम में 8,300 रुपीज मेंशन कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जो कि मार्च 22 को हुई है, तो यहाँ पे परचेज कर रहे हैं गुड्स नवरंग ट्रेडर से, ठीक है, तो यहाँ पे भी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू नवरंग ट्रेडर, मतलब कि नवरंग ट्रेडर का हम अकाउंट बना रहे हैं और नवरंग ट्रेडर क्रेडिट हुआ है, मतलब क्रेडिट साइड की एंट्री आएगी, अपोजिट अकाउंट आता है। तो मार्च 22 लेके मेंशन कीजिएगा बाय परचेज अकाउंट और अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दीजिए 25,000। अब इसके बाद एक और ट्रांजेक्शन थी जो कि बिलोंग करती है नवरंग ट्रेडर से, जिसमें हमने परचेज रिटर्न करी थी जो कि मार्च 25 को हुई थी, रिटर्न आउटवर्ड्स टू नवरंग ट्रेडर ₹4,200। तो यहाँ पे एंट्री जो होगी वो होगी परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नवरंग ट्रेडर, तो नवरंग ट्रेडर सॉरी यहाँ पे एंट्री जो होगी वो होगी नवरंग ट्रेडर डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, तो नवरंग ट्रेडर यहाँ पे डेबिट हुआ है, मतलब कि डेबिट साइड ये एंट्री आएगी, अपोजिट अकाउंट आएगा 2017 मार्च 25 लेके मेंशन कीजिएगा टू परचेज रिटर्न अकाउंट और 1200 रुपीज को अमाउंट कॉलम में मेंशन कर दीजिएगा। तो अब इस तरीके से हमारा ये क्रेडिटर का अकाउंट मतलब कि नवरंग ट्रेडर अकाउंट बन चुका है। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट अकाउंट जो कि है रुचि ट्रेडर अकाउंट, इससे हमने एक ही ट्रांजेक्शन की थी, परचेज जब किया था तो एक ही ट्रांजेक्शन है इसकी जो कि मार्च 25 को हुई थी, वोट ऑफ रुचि ट्रेडर्स ₹4,12,100, तो परचेज की थी 12,100 रुपीज की, तो इसकी एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू रुचि ट्रेडर, रुचि ट्रेडर अकाउंट बना रहे हैं और रुचि ट्रेडर अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड ये एंट्री आएगी, डेट मेंशन कीजिए 2017 मार्च 5 और यहाँ मेंशन कीजिएगा बाय परचेज अकाउंट और अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दीजिए 12,100। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे जो कि है अमित ट्रेडर, ये भी हमारा क्रेडिटर है, इससे मैंने परचेज किए थे गुड 10,000 रुपीज के, तो इसकी एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित ट्रेडर अकाउंट, अमित ट्रेडर अकाउंट बना रहे हैं और अमित ट्रेडर अकाउंट क्रेडिट हुआ, मतलब क्रेडिट साइड ये एंट्री आएगी, डेट मेंशन कीजिए 2017 मार्च 9 और मेंशन कीजिएगा बाय परचेज अकाउंट, अपोजिट अकाउंट मेंशन करना होता है, अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिए 10,000 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जो कि जयपुर स्टोर अकाउंट, इससे भी हमने परचेज की थी, ये भी हमारा क्रेडिटर है, तो इसकी पहली ट्रांजेक्शन हुई थी मार्च 10 को, परचेज गुड्स फ्रॉम जयपुर स्टोर ऑफ द लिस्ट प्राइस 15,400 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे देखिए परचेज किया तो वही है परचेज अकाउंट डेबिट टू जयपुर स्टोर, जयपुर स्टोर की बात हो रही है, जयपुर स्टोर का हम अकाउंट बना रहे हैं जो कि क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड ट्रांजेक्शन मेंशन कीजिए और अपोजिट अकाउंट मेंशन कीजिएगा डेट मेंशन करके जो कि होगा बाय परचेज अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में आपको मेंशन करना है 14,630, क्योंकि जब आप कैलकुलेट करेंगे 15,400 का 5% और आपको माइनस करना होगा जो कि हम ऑलरेडी परचेज बुक में कर चुके हैं कैलकुलेशन, तो वहां से भी आप देख के लिख सकते हैं अमाउंट आएगा 14,630 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुई है जो कि मार्च 18 को हुई है, रिटर्न करें गुड्स जयपुर स्टोर को हमने 800 रुपीज के 5% ट्रेड डिस्काउंट है, तो परचेज रिटर्न हुई है, तो परचेज रिटर्न हुई है तो डेबिट साइड ये एंट्री आएगी 2017 मार्च 18 लिख के मेंशन कीजिएगा टू परचेज रिटर्न अकाउंट और अमाउंट की कॉलम मेंशन कीजिएगा 760 रुपीज, क्योंकि 5% का ट्रेड डिस्काउंट है जो कि 800 का 40 रुपीज ही होता है, माइनस करेंगे तो 760 रुपीज आएगा। इसके बाद हम सेल्स अकाउंट बनाएंगे, अब सेल्स बुक सेल्स की बिजनेस में कितनी टोटल सेल हुई थी ये आपको सेल्स बुक से पता चल जाएगा, तो बिजनेस में सेल्स हुई थी टोटल 42,200 रुपीज की, तो इसको आप क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा, डेट मेंशन कीजिएगा 2017 मार्च 31 लिख के टू संदरीस एज पर दी सेल्स बुक और अमाउंट के कॉलम मेंशन कर दीजिए 42,200। तो यहाँ पे हमारी सेल्स बुक भी कंप्लीट हो गई है। अब आपको सेल्स बुक में वो सारे अकाउंट लेने हैं जो कि हमारे डेटर थे, उन सबके अकाउंट बनाने हैं जिससे हम जिसने हमसे दुकान हमसे बिजनेस में सामान को उधार पे खरीदा था, मतलब कि जिसने बिजनेस में बिजनेस ने जिस जिनको सामान उधार पे बेचा था, आपको उन सब के अकाउंट बनाने हैं जो कि हमारे डेटर्स होते हैं, तो सब डेटर्स के अकाउंट बनेंगे। यहाँ पे सबसे पहले रोहन का अकाउंट बनेगा, क्योंकि रोहन हमारा कस्टमर था, इसने 3,200 रुपीज के गुड्स हमसे क्या करे थे, खरीदे थे। अब इसने गुड्स खरीदे थे तो इसकी एंट्री होती है रोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट,
तब रोहन डेबिट हुआ है और रोहन का अकाउंट बना रहे, तो डेबिट साइड ये एंट्री आएगी, अपोजिट अकाउंट आएगा, मेंशन कीजिएगा 2017 मार्च 3 टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट के कॉलम में 3200 रुपीज मेंशन कीजिएगा। इसके बाद एक और ट्रांजेक्शन है, रोहन रिटर्न द गुड्स 4 रुपीज 600। अब इसने एक गुड्स रिटर्न भी किए थे जो कि सेल्स रिटर्न होती है, ये एंट्री क्रेडिट साइड आएगी, 2017 मार्च 8 लिख के मेंशन कीजिएगा बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट और अमाउंट के कॉलम में 600 रुपीज मेंशन कीजिएगा। इस तरीके से हमारा रोहन अकाउंट बन गया है। अब हम नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे जो कि अरुण ट्रेडर अकाउंट है, जो कि हमारा डेटर था। इससे हमारे जो पहली ट्रांजेक्शन हुई थी वो मार्च 12 को हुई थी, सोल्ड किए थे इसको गुड हमने 18,000 रुपीज के, 15% का ट्रेड डिस्काउंट था। तो ये ट्रांजेक्शन किस साइड आएगी, ये ट्रांजेक्शन आपकी डेबिट साइड आएगी, क्योंकि एंट्री क्या होगी, अरुण ट्रेडर टू सेल्स अकाउंट, अरुण ट्रेडर का अकाउंट बना रहे हैं, अरुण ट्रेडर डेबिट हुआ है, डेबिट साइड एंट्री आएगी पर अपोजिट अकाउंट आएगा। तो यहाँ पे 2018 लिख के मार्च 12 लिख के मेंशन कीजिएगा टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट के कॉलम में आपको 15% डिस्काउंट कैलकुलेट करके जो अमाउंट आएगा ना वो मेंशन करना है 15,300। ये कैलकुलेशन आप ऑलरेडी सेल्स बुक में कर चुके हैं तो वहां से भी देखे आप अमाउंट को लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुई है मार्च 19 को, जो कि अरुण ट्रेडर ने गुड्स रिटर्न करे हमें 3,000 रुपीज के और 15% का ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो डेट मेंशन कीजिए 2017 मार्च 19, यहाँ मेंशन करना है आपको बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, क्योंकि सेल्स रिटर्न हुई है, 3,000 का 15% कैलकुलेट करके माइनस करके जो अमाउंट आएगा आपको वो अमाउंट लिखना है जो कि 2,550 रुपीज होगा, जो कि हम सेल्स बुक में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इस तरीके से हमने अरुण ट्रेडर का भी अकाउंट बना दिया है। अब नेक्स्ट है हमारा कल्पना एंड कंपनी अकाउंट, तो इसने भी हमसे परचेज सेल्स की थी, तो ये भी सेल हुई थी पर यहाँ पे मेंशन है आपका पहली ट्रांजेक्शन मेंशन है मार्च 20 की है, तो मार्च 20 लेके मेंशन कीजिएगा डेबिट साइड की टू सेल्स अकाउंट, कितने की सेल थी, 14,700 रुपीज की सेल थी और मार्च 29 को इसने गुड समय रिटर्न भी करे, तो मार्च 29 लिख के क्रेडिट साइड एंट्री मेंशन कीजिएगा बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट और 2,000 रुपीज क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिए। तो ये दो एंट्री थी कल्पना एंड कंपनी अकाउंट की जिसको हमने उसके अकाउंट में दिखा दिया है। अब करते हैं नेक्स्ट अकाउंट जो कि रूपा ट्रेडर अकाउंट, तो रूपा ट्रेडर अकाउंट के लिए खाली एक ही ट्रांजेक्शन है जो कि मार्च 26 को हुई थी, सेल्स टू रूपा ट्रेडर 4,10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे 10,000 की सेल की थी हमने रूपा को, 10% का ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट दिया था उसको, तो यहाँ पे 9,000 की पेमेंट थी जो कि हमने रूपा से लेनी है। तो यहाँ पे रूपा ट्रेडर का अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे, आप डेट मेंशन कीजिए 2017 मार्च 26 और डेबिट साइड ये एंट्री आएगी, मेंशन कीजिएगा टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में 9,000 रुपीज मेंशन कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा रूपा ट्रेडर अकाउंट भी बन चुका है। अब हम बनाएंगे परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट बनाना सिंपल है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको परचेज रिटर्न बुक जो बनाई थी उसकी हेल्प लेनी होगी। तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट अमाउंट लिखा है, यहाँ पे क्रेडिट लिखा है, तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट साइड आएगा, जहाँ पे मेंशन करना होगा 2017 मार्च 31 लिख के मेंशन कीजिए बाय संद्रीज एस पर परचेज रिटर्न बुक, जो कि कितने हैं 1,960 रुपीज है। तो हमारा परचेज रिटर्न अकाउंट क्या है, बन चुका है। तो यहाँ पे आपको परचेज रिटर्न बुक की हेल्प लेनी है, सेम इसी तरीके से सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाना है, जिसके लिए आपको सेल्स रिटर्न बुक की हेल्प लेनी है जो कि डेबिट साइड आएगा। तो यहाँ पे डेबिट साइड डेट मेंशन करके आपको मेंशन करना है टू संद्रीज एज पर दी सेल्स रिटर्न बुक, अमाउंट के कॉलम में आपको मेंशन करना है 5,150, जो कि आप सेल्स रिटर्न बुक से इजिली देख के मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।